वर होती ना चावी घेऊन गेलो मोहन, मला तर मोहन वर डाऊट येतो. मोहन तुला भेटली का चावी? नाही. खर सांग ना कस उभारले मग की मला एक डाऊट आहे श्री. खरं आम्ही लपवलेली नाहीये चावी. मला एक डाऊट आहे मी खरं सांगतो. कोणावर? मला पण त्याच्यावर डाऊट येतोय. है ना चावी भाई? हा मजा आएगा. अरे खातेच भेटेल चावी ढूंढ. मोहन चावी मिळाली का? मी शोधना. तू काय करतो? तू शोध. मग मी पण चावी शोधतोय कॅमेरा मध्ये. श्री खरंच सांगतोय माझ्याकडे चावी नाहीये. हे बघा चावी हरवली असेल तर 2 दिवसात थांबायला लागेल. दहावीतल्या टोयोटा मध्ये चावी बनवून घेऊन नवीन एवढं. माझ्याकडे एंडवेअरची चावी आहे. मी माझं निघून जातो पुढे. काय विचार नाही. तू घरी गेला तरी कारण येतो ना. आम्हाला काय प्रॉब्लेम नाही. तुझ्या पशी काय आणलं आमचं तसं तुझीच काम आम्हाला करायला लागतात. जा कोलगेट आण, जा पेशवॉश. अरे खा रे के गिरा रे पडा रे कित्ता यार. अच्छे से खा ना चुपचाप यार. दोनों कित्ता पसारा कर रे. एक थुकता एक सांगते. काय येण्यात लावलं मला कळलं. श्री मिळाली की नाही? श्री चावी मिळाली की नाही? मग पुढे जाणार कस तू? अरे चावीशिवाय जायचं कसं पुढं? माझ्याकडे एंडेवर आहे माझी. मी जातो. हॅलो गाईज, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सस्त्री अकाल, जय जिनेंद्र, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तो गाईज आज का सीन क्या है ना वो आपको श्री भाई बताएगा. आज हम लोग श्रीनगर में. तो आगे का प्लान क्या है आज का? आवाज जरा भाई की हो गेली थोडा. और इससे बोलना दल्लेकला जायचे. दल्लेक फिरायला श्रीनगर फिरायला जायचे. पहिलं जेवायला जायचे. हा पहिलं जेवायला जायचे बाबा. और फिर वहां से दल्लेक को जाएगे. फिर थोडा बहुत क्या क्या शॉपिंग को शॉपिंग वगैरह लेना है. थोड़ा सेफ्रॉन आणायचे. सेफ्रॉन. हाँ फिर आगे का प्लॅन मोहन बताएगा. फिर क्या करणे आले? परत जायचं आपल्याला मार्केट मध्ये. हा आणि मग मार्केट मधनं शेषला काय काय येते शॉपिंगला? अच्छा पुढचा प्लॅन. हा हा नेक्स्ट प्लॅन तू सांग. अरे पण जेवायला जाणार आपण. पण चावी कुठे? चावी नाही तर जाणार का? तो अभी यहाँ से निकलने की तैयारी चालू हो गई. फिर से बैग बिग सब भर रहे ले. और ये यहाँ से इंस्ट्रक्शन दे रहे थे. तो निकलते गाइस. तो ये थी वो प्रॉपर्टी जहाँ पे हम लोग रुके थे अपने जावेद चाचा के इधर. तो अभी निकलते हैं यहाँ से और फिर जाते अभी दल लेक. हो गया अभी एक प्रॉब्लम निकलते वक्त यहाँ से. ले चावी ला पहुँचो थी ना तुम. कुछ तो भी बैटरी का इशू हो गया लगता अभी. भाई घोड़े पे बैठा है क्या? मग काल हॉर्स राइडिंग केलं ना तुम्हाला. रोज हॉर्स राइडिंग करू शकते. हॉर्स ने बैठा. चावी दे श्री. अभी ट्राई करते भाई होती है क्या. चालू हो जाएगी इंशाल्लाह. मार दादा. मारो मार रे. Uh-oh.
तो गाइस फिर अभी पहले बैटरी का थोड़ा सा लग रहा था, तो बैटरी का थोड़ा क्लीन करके ये किया, पर फिर भी नहीं हुआ, तो अभी दूसरी बैटरी लगा के देख रहे चालू होती है क्या, और फिर देखो दूसरी बैटरी एक लिए वो गाड़ी की आपने निकाल के, और ये लगा के देखते हैं अभी चालू होती है क्या नहीं। चालू तो हो गई, बैटरी सच बाबा बैटरी का ही है। इस फिर अभी हम लोग निकल गए जावेद चाचा के साथ लंच के लिए जा रहे थे, और फिर गाड़ी भी थोड़ा रनिंग करके देखते हैं क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, और बैटरी चेंज करनी हो तो चेंज कर देंगे, क्या करना हो सब करके ही जाएंगे यहाँ से क्लियर। तो गाइस फिर आप जावेद चाचा से तो मिल लिए, हमारे अभी आपको मिला था हमारे हिलाल चाचा से, तो वो भी आ रहे, फिर आपको मिला था उनसे। सलाम वालेकुम, पकड़ तन्ने आ गए अपने गाड़ी भी, अभी मस्त पार्क करते और जाके खाना खाते, गाड़ी के चक्कर में ना बहुत भूख लग गई थी बाबू, फिर हो गया खाना खाते दे, और अभी हम लोग पहली बार में कश्मीर से कश्मीर के एप्पल ले रहे हम लोग। फिर हमारा खाना तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा था खाना, सिर्फ बहुत लेट आ रहा था खाना, पर हो गया अभी खाना तो खा के फिर इधर आया हम लोग। हमको लगा अभी गाड़ी का कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा, पर फिर से गाड़ी प्रॉब्लम दे रही, तो अभी फाइनली बैटरी पूरी चेंज ही करने वाले अपन, तो दूसरे गाड़ी से गए अभी बैटरी लाने के लिए, वो बैटरी लाएंगे बिठाएंगे और फिर निकलेंगे ना यहाँ से। आप भी एप्पल लिए तो एप्पल का रेट क्या रहेगा इधर मालूम है, 50 रुपीज़ पर किलो दिया भाई ने हमको एप्पल, और बहुत भारी एप्पल भाई लोग लेके आए, बैटरी देखते अभी बैटरी लगा के बाबा इंशाल्लाह हो जाएगा। कश्मीर के बारे में ऐसे ही सुने थे कि भाई तुम कश्मीर में आएंगे तो तुमको ठंडी लगेंगी बर्फ पर, यहाँ देखो हमारी क्या हालत हो रही है कश्मीर में, बहुत गर्मी आज बहुत गर्मी, यहाँ देखो भाई लोग भी ऐसे ही रुके सब, यहाँ देखो सबकी बैटरी के लिए गड़बड़ चाले, और ये दोनों भाई लोग देखो उधर छाँव में मस्त बैठ के अपना कुछ भी चालू उनके एड़े चाले। फिर फाइनली वापस चालू हो गई गाड़ी, अभी ये फिर से लेके जा रहे हैं उधर चेक करने के लिए, प्रॉपर बैटरी वाले आदमी से चेक करेंगे क्या बैटरी भी चार्ज हो रहा है क्या क्या हो रहा है कुछ अलग दूसरा प्रॉब्लम। A few moments later, अभी हम लोग आ गए हैं इधर ड्राई फ्रूट्स की थोड़ी शॉपिंग करने के लिए अपने जावेद चाचा के साथ, देखे नहीं क्या लेने का, देखे नहीं काय घेतलं, शिलाजीत घेणार आहे, अक्रोड अजून पिस्ता केसर, गट क्या बनायची छगा फुट गया नाही मी नाही देणार। बोलो क्या चाहिए, अक्रोड खजाना है ये कश्मीर में माना जाता है, देखिए लाखों का है, खुशबू देखिए खुशबू उसकी प्राइस क्या रहेगी पूरे केसर की, बोलो जरा, मुझे लगता है 3 लाख 3 लाख का डब्बा है वो, 3 लाख कश्मीरी कावा टेस्ट करते जा रहे हो करते जा रहे हो, मेरे चाचा की दुकान है ना इसलिए टेस्ट ले लिए गाइस। फिर अभी भाई लोग ने सब यहाँ से, और बैटरी भी अपनी चेक हो गई, बैटरी का ही इशू था, बैटरी चेंज कर दिया, अभी कुछ टेंशन नहीं, अभी बिंदास अपन निकल सकते, उसके पहले अपन जाएंगे दल लेक पे थोड़ा सा देखते बोटिंग करना है या कुछ थोड़ा सा उसके फोटो बेटो, और बहुत धूप है बहुत धूप है। फिर अभी हम लोग आ गए दल लेक पे, तो अभी जाते हैं बोटिंग के मजे लेते, चलो गाइस फिर अभी बैठते हैं अपन मस्त बोट में, जाओ क्या भाई साथ, सब VIP लोग गए, हिलाल चाचा जावेद चाचा फुरकान भाई अरे श्री तेरे वजन से हिल गई पूरी बोट, पडला पडला पडला
अरे भाई यहाँ पुल गड़बड़ चालू है और आप लोग एम भाई को भूल क्या है का तू भी एम भाई किधर है और ये दोनों हाथ आ गया आ गया एम भाई आ गया बाबा एम भाई आ गया वाइन क्या दिया श्री बोल रहे भैया क्या दे रहे हो मेरे को मेरी शादी नहीं हुई अभी तक ऐसे बाजार आते हैं गाइस इधर बोट के ऊपर फ्रूट शॉप ज्वेलरी शॉप कॉफी वगैरह जो जो क्या क्या चाहिए सब आते रहता है हमारे हिलाल चाचा चिढ़ गए जावेद चाचा भी बोले उनका फोन लो और पानी में फेंक दो लेके सच्ची हाँ बोल रहे फुल बारबेक्यू वगैरह सब आता है इधर शोपीस अब ये क्या है भाई पानी की बॉटल रफीक भाई काय बघतोय चलेगा तो काय आहे का नहीं नहीं ये हा इसको एक पिन है कोणासाठी घेतोय कोणासाठी कॉफी पिणार आहे तू इथे मुंबई मध्ये कॉफी पिणार आहे मम्मी साठी घेतोय का गावल गप्पे इधर भी यो गॉडचे बॅम्बोर यो थमची ग्लास शिशु ग्लास इथे आहे जात के प्रॉब्लेम या कोण असो ग्लास क्या येना शून्य सुचे साके कोण सुगो बाल ग्लास कॉफी ले लिया अभी कॉफी पे मस्त फ्रूट प्लेट भी आ गई अपनी अनुप दादा गया ना ये है गाइस नेहरू पार्क पानी के बीच में ये पार्क है भाई मजे आ रहे क्या भाई भाई बहुत मजा आ रही ऐसे में कितनी राइड शिकारा मेमोरी कर में करना 2006 नंबर शिकारा ये क्या बना क्या सोता नहीं लेके आंदा इसको जनवरी फरवरी ये तो फ्री होता है ये तो यूनियन का शिकारा बन रहा है नंबर ऑफ वीडियो में इसको फुटबॉल खेलना है क्रिकेट खेलना है इसी लेके आंदा अच्छा पूरा सोटेंगे सोटेंगे दिमें नंबर डेढ़ है शिकारा रेसिंग सपोर्टर्स रेसिंग कायाकिंग रेसिंग इसी डल जिप में ओ बकरे एसएमएस नंबर डेढ़ उनसे उधर होता है परियों का महल होता है खुदा खैर करे रूप है करे ऐसी जगह पर बैठे ओके एम भाई मजे आ रहे क्या तो गाइज अभी ये डल लेक का मार्केट है रस्ते पे बहुत ट्रैफिक जाम देखा रहेगा आप लोगों ने यहाँ देखो लेक में ट्रैफिक जाम है लेक में ट्रैफिक जाम है फुल फ्लोटिंग मार्केट या देखो भाई लोग अपने देखो उधर भी है ना आइसक्रीम उधर शॉप पे शॉपिंग कर रहे हैं अभी उधर भी क्या ले रहे तो आइसक्रीम और यहाँ एम भाई यहाँ से आवाज दे रहे क्या लेने का तो यहाँ से अभी मीना बाजार स्टार्ट हो गया गाइस आप ये दुकान देख लो और फिर मैं बाहर जाने के बाद आपको दिखाता हूँ ये दुकान किधर है थोड़ी सी शॉपिंग हो गई इधर भाई और मैंने भी ले लिया थोड़ा सा और आपको ये दुकान किधर है ना अभी दिखा दो मैं बाहर जाऊंगा ना तब देख लेना आप किधर है अपन और ये भैया भी बहुत भारी है अंकल हाई करो एक बार इनके पास आओ गाइस फिर हो गई शॉपिंग बहुत देर से भाई लोग रुके लो और ये शॉप किधर है देखो ये शॉप ये देखो अपन ने शॉपिंग किधर की है देखो और ये शॉप का नाम भी आपको दिखा देता हूँ मैं किधर है भाई शॉप का नाम कश्मीर हैंडक्राफ्ट बाजार गाइस इतना भारी एक्सपीरियंस था ना डल लेक का बहुत मजा आई शॉपिंग भी की और इतना रिलैक्स लग रहा था बहुत मजा आई तो अभी हम लोग जा रहे हैं लाल चौक फिर वो लाल चौक में जाएंगे मस्त देखेंगे उधर से और फिर वहाँ से निकल जाएंगे हम लोग सोनमर्ग के लिए हम लोग पहुँच गए लाल चौक घंटाघर पार्क कर ली गाइस चलो फिर आपको अभी उधर जाके दिखा दे जरा पास से तो ये देखो गाइस
अपने राइडर भाई लोग भी आ गए जो यहाँ से आगे अपने ट्रिप को ज्वाइन होने वाले भाई लोग पुणे से आए ले। सब राइडर लोग आ गए अपने। तुम जा रहे हो? चलो अभी तुम आओ पुणा। रास्ते में देखो क्या मिल रहा है, एकदम आराम से आओ आप। ध्यान रखो चलो। अरे क्या आओ जल्दी पुणे। किस्मत होनी चाहिए कि आप कम से कम आए यहाँ। थैंक यू, बहुत अच्छा घुमा आपने। तो गाइस फिर अभी अपने जावेद चाचा और हिलाल चाचा को मिलके फिर अभी निकल गए हम लोग यहाँ से और अभी हम लोग जा रहे सोनमर्ग। तो बहुत ही अच्छा लगा दोनों चाचा लोग से मिलके और दोनों ने बहुत मतलब बहुत इधर हमारे साथ घूम के हमको सब मस्त एकदम सब अरेंजमेंट किए थे और बहुत अच्छा लगा। और जो अपने हिलाल चाचा है मैं आपको बता देता हूँ कि वो इधर उनका टूरिस्ट का ही वगैरह सब है, बड़ा अच्छा। तो अगर कभी भी आपको कश्मीर आना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अंकल का नंबर वगैरह सब डाल दूंगा और गारंटेड आपको एकदम इतना मतलब जो बाहर इधर जो रेट वगैरह है उससे कम में ही पैकेज मिलेगा। और सीरियसली अगर आप तुम्हारे भाई का रेफरेंस देते तो और भी अच्छा आपको सब मिल जाएगा। तो आप ज़रूर कॉल करना, उनसे कांटेक्ट करना, इंक्वायरी करना। और फिर अभी हम लोग निकल गए यहाँ से जाने के लिए, अभी थोड़ा डिनर वगैरह करेंगे और फिर जाके सो जाएंगे। तो इसी के साथ ये व्लॉग को इधर ही एंड करते। उम्मीद करते कि आपको व्लॉग देख के मज़ा आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट पर कर रहा और सब्सक्राइब भी करना और अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़। मुस्कुरा थोड़ा पहले। हाँ मुस्कुरा। अल्लाह हाफिज़। थोड़ा सा।